हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने सच में ही गर्दे उड़ा दिए। प्लस ये मूवी एक परफेक्ट सीक्वल है 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का, जहां ये मूवी आपको मल्टीवर्स के चक्कर कटवाएंगी, वो भी काफी तगड़े तरीकों से। मगर इवेंचुअली दो तीन जगहों पर ही मूवी फोकस्ड करेगी। वेल, ये वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जहां आपको थोड़े बहुत गूसबम्स आएंगे या पहली बार एमसीयू में हॉरर का फील आएगा। पास्ट के रेफरेंसेस या मूवीज के बैटल्स वाकई काफी ऑसम है। और हाँ, जो ट्रेलर्स और शॉर्ट्स में दिखे हैं, मूवीज उसी पर बेस्ड है। लेकिन तब भी जो भी स्टोरी आपने सोची होगी ट्रेलर्स को देखते टाइम, वैसा कुछ नहीं होने वाला। बल्कि कैरेक्टर्स ट्रेलर्स में जो दिखे या हमने उन्हें जो भी एज्यूम किया, उसके लगभग उल्टा ही हुआ है। और यही बातें मूवी की बेस्ट पार्ट में से एक है। यहाँ तक कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच की एक्टिंग अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज के तौर पर टू द पॉइंट थी, या रेचल मैकएडम्स का कैरेक्टर स्विच आपको लिटरली जेन्युइन लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा एलिजाबेथ ओल्सन का वांडा या स्कारलेट विच पोर्ट्रेल आपको शॉक करेगा, क्योंकि ओल्सन के फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत स्ट्रांग थी और ओवरऑल सारे ही कैरेक्टर्स की एक्टिंग सही थी। वही मूवी में उतने जोक्स नहीं है, लेकिन मूवी PG-13 के लिमिट पर पहुंच गई। यह मूवी का कलर प्लेट और हल्के फुल्के बैकग्राउंड स्कोर मूवी के सीन्स को और भी ज्यादा एनहेंस करते हैं। और एट दी एंड मूवी का मेन विलन, जिसने तो कह के ही ले ली, जो सच में बहुत स्ट्रांग है। प्लस मूवी को देखने के बाद बस एक ही बात माइंड में पेस्ट करके रखना कि ये कोई एवेंजर्स टाइप मूवी नहीं है, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सीक्वल है और मल्टीवर्स बस अभी चालू ही हुआ है।